स्वागत है आपका सोल स्टडी चैनल पे। आज मैं आपके साथ पोल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता है जो जापान के एक शहर क्योटो में किया गया था। ये समझौता 1997 में किया गया था UNFCCC के द्वारा। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, और इस सम्मेलन में कहा गया था कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं वो ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोडक्शन को कम करेंगी, और इसमें 149 देशों ने भाग लिया था। इस में एक प्रावधान दिया था कि देश के 55% देश, जो कि 55% का मीथेन गैसों और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर ये सभी देश एक साथ समर्थन देते हैं कि इनका प्रोडक्शन वो कम करेंगे, तब इन सभी को मिलकर एक प्रपत्र जमा करवाना होगा, और उसके 90 डेज के बाद से ही प्रोटोकॉल जो होगा वो लागू हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्तें थी कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं वो ग्रीन हाउस गैसों के प्रदूषण को कम करेंगी, और 10 साल में 5% तक इन ग्रीन हाउस गैसों का वो कम ग्रीन हाउस गैसों का प्रोडक्शन करेंगी, ताकि हमारे देश में जो ये जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है उसमें कमी लाई जा सके। इसका मोटो यही था कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, उनका उत्सर्जन कम करना, और मनुष्य का जो क्लाइमेट में तेज़ी से हस्तक्षेप हो रहा है उसे कम करना। इसके अलावा विश्व को आपदाओं से बचाना भी क्योटो प्रोटोकॉल का एक अन्य उद्देश्य था। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल जो था एक कठोर और बाध्य समझौता था, जो कि विकसित और विकासशील देश दोनों पर ही लगाया गया था। और इसके अलावा कहा गया कि जो जलवायु परिवर्तन आज तेज़ी से हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, तो सभी देशों को, न केवल देशों को बल्कि पूरे राष्ट्र को ज़रूरत है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसों के प्रोडक्शन को कम करें, ताकि देश का जो वातावरण है वो स्वच्छ रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।